एक्सक्यूज मी सर। यस। मुझे एक लड़के की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कौन है वो? जेपी। जेपी तुम्हारे पास आधा घंटा तो होना चाहिए थी। सर आधा घंटा तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा रिकॉर्ड है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो। हेलो, अभी शुरुआत करता हूँ स्टार्ट से। एक बार मैंने उसको मजाक मजाक में फोन लगाया, मेरे पीछे लड़के पड़े मेरे को मारने। ये बच्चा आने दे, सबको देखूंगा मैं, आएगी बारात कब सोचूंगा। तुम लोगों क्या रे? ये बच्चा ऐसा बोलते ही उसने वो सच मान लिया और कहा गया मुझे भी पता नहीं। तुम रूपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है रे, ये तो स्टाइल के लिए था। कैसा लगा? तू मेरे दोस्त को मानना चाहता है? इतना दम है तुम में तो एक्शन सीन शुरू करे क्या ब्रो? आ जा तू भी आ जा। फाइटिंग भी कर ली। ये सिगरेट क्यों नहीं जल रही? हाँ धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ना। ठीक है कोई बात नहीं, आ गए क्या सब लोग? तुम मेरे दोस्त को मारना चाहते हो? उसे मारना तो छोड़, उसे छूना दूर की बात है। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे दोस्त को मारोगे? हम तो उसे मारना चाहते हैं। कौन ये तो मेरा दोस्त नहीं है। फिर उसे पता चला मैंने तो मजाक किया था। अभी क्या करूं? थोड़ा साइड दो, भाग लेता। सॉरी भाई लोग, मुझे नहीं पता था भाई लोग। बस इतना ही ना? इतना नहीं, अभी क्लास में सब बच्चे यहाँ पे बैठो। वेलकम टीचर। यस कम इन। मैडम ने तो तरस खा के उसे क्लास में ले लिया। हाँ। लेकिन मैडम को कहा था, पता था वो कितना पढ़ाई करने वाला लड़का है। मेरे क्लास में पहली दूसरी तीसरी सब एडमिशन फुल है। दसवीं कक्षा का एक ही विद्यार्थी और तू, बाकी एडमिशन नहीं है क्यों? सबसे तू। ओ। सबसे अच्छा। मैडम मेरी तारीफ कर रही है लगता। सबसे होशियार। सबसे टैलेंट नहीं है। नहीं है मैं। ये तारीफ दिया कुछ सुबह का, इसलिए दसवीं कक्षा के एडमिशन ही लेता नहीं है, क्योंकि यहाँ तेरे जैसा तो स्टूडेंट है। सब बच्चे होमवर्क पे निकालो। अच्छा होमवर्क क्या? अभी देता हूँ मैडम। ये मैंने चेक किया मेरा वो, अरे मैं होमवर्क ही नहीं किया। अब टीचर पूछे तो क्या बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबने तो होमवर्क दिखा दिया। बेटा तेरा होमवर्क किधर है? अब मैडम को कुछ अच्छा ही बताना पड़ेगा। ओ मैडम, कल मैं थोड़ा बिजी था। तो बिजी था क्यों? नारा मैं बिजी था क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तेरी और गर्लफ्रेंड? मैडम क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? कौन है वो लड़की? क्या नहीं बदनसीब? मैडम आपको क्या लगता है मुझसे ब्याह करती है? मतलब वो बदनसीब है, वो खुश नसीब है। होमर तो किधर है? मैडम मैं अपनी कल गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था इसलिए। मैडम निकल जा हमारे क्लास से। बेटा टीचर आपने मुझे बुलाया। मैडम आपने मुझे बुलाया। बेटा हाँ, तेरा मोबाइल रख के जा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने वाला था तो सपना ही थी। आज संडे उसे छुट्टी है।
वैलेंटाइन डे का प्लान आज ही करना पड़ेगा, उसने कहा था आज वैलेंटाइन डे का प्लान करके। मैडम ने क्लास से निकाल दिया, मेरा मोबाइल भी रख लिया। अब क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो आइडिया। आइडिया मैडम मैं टीचर। यस कम इन। आपके हस्बैंड आए, आपको बुला रहे। आपके हस्बैंड सच में आए। हेलो जानू, वो मेरे टीचर ने मोबाइल मेरा छीन लिया था, फिर भी मैंने टीचर को झूठ बोल के मैंने मोबाइल ले लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका कोई शक मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैडम को पता जब चला तब उसे क्लास में से भी निकाल दिया। मेरे टीचर से झूठ गया कि काज बेटा गए, पर काज बेटा है। तुम बात करो ना, इस वैलेंटाइन डे हम क्या करेंगे, अच्छा ही गिफ्ट लाना, कुछ बड़ा गिफ्ट लाना। बेटा मैडम मैडम आ गए, वो मैडम थोड़ा सुनो ना, वो आपके हस्बैंड जैसा कोई था, मुझे लगा आपके हस्बैंड। बस इतना है ना? नहीं अभी तो शुरू है, अभी तो शुरुआत ही है। एक बार उसके साथ मजबूरी में जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था और आफत आ रही थी आगे से। आफत थी ना, इतनी बड़ी नहीं थी ना, वो छोटी ही थी लेकिन बहुत बड़ी थी। मतलब आगे से एक लड़का चलते आ रहा था, गलती से उसको धक्का लग गया, हमने दोनों ने तो उस पर भाईगिरी शुरू कर दी। ए बेटा तूने टक्कर किसे मारा? हाँ हमसे टक्कर ले रहा है तू? सॉरी भाई। सॉरी 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 ब्रो। बेबी मेरी बेबी मत से। रुक अभी मैं एक काम करके आता हूँ, ठीक है? अभी तो किसने बोला नहीं? मम्मा मेरा भी काम है, मैं जाके आता हूँ। करो अभी तक किसने मुंह खोला नहीं? कुछ भी नहीं, मेरी मत करो। रुको मैं अपने डंक बुलाता हूँ। हेलो डंक, जल्दी आ जाओ, या मुझे कोई मार रहा है, जल्दी आ जाओ। देख मैंने इंस्टा पे न्यू रील डाली है, लगता है वायरल हो रही है, मतलब तेरा भाई फेमस हो रहा है। ओह फेमस हो गया तू, क्या बात है। तेरा डॉन किधर है और तेरी गैंग किधर है? गैंग अभी आ रही है, रुको डॉन पर। तभी हमें पता चला छोटा पैक बड़ा धमाका क्या होता है। यह है मेरी गैंग, इसमें से डॉन कौन है? तेरा डॉन किधर है इसमें से? यही थी क्या? हाँ यही थे दो लोग। आगे क्या हुआ, उसने फिर से मार दिया सबको? उसने मार तो नहीं दिया, लेकिन उसकी गैंग देख के और डॉन देख के हम तो भाग पड़े। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? क्या तुम्हें इतना दम है? अगर तुम्हें इतना दम है तो तुम पीछे क्यों जा रहे हो? पहले इसको मार के दिखाओ फिर। इधर आ, ऊपर आ। गैंग से पंगा नहीं लेना चाहिए। सच में नई पंगा लेंगे हम। ये चुप 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 हो आ गया। फिर क्या हुआ, तुम बचे या नहीं? बचे तो थे लेकिन उसकी जानों ने वाट लगा ली। अरे जानू, अरे जानू 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 मेरी बॉन्ड लगा दी गई। अरे ये मेरी ड्रॉ है, अरे अभी लगता है इनको पता चलेगा। अरे तेरी जानू ने वाट लगाई, लगता है ये लेगा। मुझे भी नहीं पता था। सर उसमें कोई अच्छी बात है या नहीं? है ना,
बता दो एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड की शादी का इनविटेशन मुझे आ गया और वो इनविटेशन लेके मैं उसके पास चला गया। उसका चेहरा कैसा होता है देखने के लिए मैं वो इनविटेशन लेके वहां पे चला गया। नाच क्यों रहा है तू? शादी में जा रहा हूँ बिरयानी खाने। ब्रो मैं भी आ रहा हूँ शादी में, लेकिन तू नहीं आ सकता। पर क्यों? क्योंकि तुझे इनविटेशन नहीं मिला। इनविटेशन में क्या रहा है? बिरयानी चाहिए मुझे, लेकिन तू नहीं आ सकता। पर क्यों? क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। बेचारा अंदर से टूट गया होगा। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। अच्छा वो तो बिछड़ा चमन दिख रहा था। गर्लफ्रेंड की शादी है मेरी, क्या करूं? यस अभी जाके रो रहा होगा और 5 मिनट में वेडिंग वापस आते तो दिख रहा था उजड़ा चमन। ब्रो तू क्यों इतना सजदच के आया है? वो बिरयानी खाने के लिए। अरे बेशरम, तेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। देख मैं बेशरम चेहरे, गर्लफ्रेंड तो अपने नसीब में नहीं है, पर बिरयानी अगर मैंने छोड़ दी तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। तू आ रहा है या नहीं शादी में? अरे बेशरम, इनविटेशन मुझे आया है। गर्लफ्रेंड की शादी में बिरयानी खानी तो पड़ेगी। मतलब उसमें कोई अच्छी बात नहीं है? ऐसा नहीं है, अच्छी बात भी है। एक बार मेरे को नशे की लत लग गई थी, मेरे दोस्त मोंटी की वजह से मुझे नशे की लत लग गई थी। हेलो, 4 दिन हो गया उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। वो यहाँ भी है या नहीं पता नहीं, मुझे गया किधर वो? मुझे कहीं नहीं मिल रहा, वो यहाँ भी नहीं है। देखता हूँ किधर है। तू कब से नशा करने लगा? जब से मोंटी से मिला। मोंटी कौन है ये? वो काली गाली से। तू नशा क्यों कर रहा है? और टेंशन आ गया था ब्रो। टेंशन है तो मैं हूँ ना यार, सब कुछ बात तेरे को कैसे बताऊं? एक पल यार, एक पल में यार भी कहता है, दूसरे पल में पराया कर देता है। अगर तो दोस्त मानता था हर बात मुझे बतानी चाहिए। वो मोंटी किधर रहता है? वो मोंटी बहुत खतरनाक है ब्रो, उसका गढ़ मुर्शी में इलाका है ब्रो। मोंटी को देख तू मत जाने भाई, तू अकेले मत जा कभी। पर भाई तू ये नशा छोड़ दे, मोंटी को मैं देख लूँगा। मेरी नशे की लत मुझसे छुड़वा दी और उस मोंटी का भी बचा दा। आने की इज्जत नहीं, कैसे आ गए? मुझे कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मैं बिन बुलाए मेहमान आ जाता हूँ। ओह तो तुम मरने आ गया है? मरने नहीं रहे, मारने आया हूँ। तो आ जा, देर किस बात की?
ताकत है इसमें। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी से थक गया। अभी खेल शुरू। धूम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, ये मैंने पहले भी कहा था। समझा? ओके ओके, टाइम ऑफ टाइम ऑफ। ठीक है, चल कोई बात नहीं। हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? और तू मुझे मारना क्यों चाहता है? तेरे को विशाल मालूम है क्या? हाँ मालूम है, वैसे तू ही ड्रग सप्लाई करता है ना? हाँ करता हूँ। विशाल मेरा भाई। क्या तेरा चल भाई, तेरे चक्कर में आके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तेरा सब कुछ रिकॉर्ड निकाल दिया। तू काली के लिए काम करता है ना? हाँ। तुम्हें कैसे? मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। मुझे तेरा अड्डा भी मालूम पड़ गया, मुझे ये तक भी मालूम पड़ा कि तेरे अड्डे में कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैं अकेला। तूने वजह नहीं जानी, पर तूने पिटाई शुरू की तो मैं तुझे रुकने वाला भी नहीं हूँ। मैंने भी शुरू किया। तुझे लगता है ना तू उनके लिए काम करता है? हाँ। पर वो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, उनका प्लान क्या है ये तुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं, पर काली का प्लान बहुत बड़ा है। वो तुम्हारे जैसे लोगों को हर स्टेट में घुमाता है। जहाँ पे उसकी डील होती है वहाँ पे उसका बिजनेस होता है, वहाँ तुम जैसे किलर को वो मार देता है। मुझे पता है ये तुझे यकीन नहीं होगा, पर तुझे यकीन करना पड़ेगा। तो फीना शब्द की कुछ है, ये देख। देख लिया? मुझे इसमें पता नहीं था, वरना मैं उसका साथ ही नहीं था। वरना आप हम मिलके काली का सर्वनाश करेंगे। सर्वनाश। मोंटी अब बचा है? मोंटी भी है पर वो हमारे साथ। ये कहानी तो आप शुरू होगी, पर अब कब मिलेगा? अब तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी द गैंग स्टोरी शुरू हो गई। ला 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 ला